हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दुलाल चंदा स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो हमारा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका आप लोगों को, सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ने से ही एजुकेशन कहने का मतलब है नॉलेज नहीं आ सकता। एजुकेशन हम शिक्षित तो हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें टाइम टू टाइम मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ता है। इसीलिए मैं अपने एजुकेशन चैनल पे टाइम टू टाइम मोटिवेशनल वीडियो देता हूं, और आज का हमारा जो मोटिवेशनल वीडियो है काफ़ी बेहतरीन है। वैसे तो मैं जितनी भी वीडियो दे चुका हूं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि 20 ग्रंथ का जो सारांश किया गया है वो सिर्फ एक लाइन में किया गया है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को इस वीडियो में ये स्टोरी मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। एक्चुअली दोस्तों, मैं कई बार बतला चुका हूँ कि मोटिवेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार हम लोग अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, एनर्जी पाने के लिए भोजन लेते हैं, उसी प्रकार अपने दिमाग, अपने मन मस्तिष्क को एनर्जी देने के लिए हमें मोटिवेशन पावर देना पड़ता है। इसीलिए मोटिवेशन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज का वीडियो जो है खाने पीने से ही संबंधित है। जिस तरह से आप लोग ये सिचुएशन देखे होंगे, कई बार क्या होता है कि जहाँ पे फ्री में भोजन दिया जाता है, खिलाया जाता है, तो वहाँ पे लोग बेतहाशा टूट पड़ते हैं खाने के लिए। आए दिन कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं, जैसे कोई पार्टी हो गया, फंक्शन हो गया, या कई धार्मिक स्थल में भी फ्री में भोजन करवाया जाता है, तो ऐसे जगह पे अत्यंत ही भीड़ हो जाया करता है। लोग खाने के लिए उमड़ पड़ते हैं, और कमजोर तबके के लोगों की बात करूँ तो ऐसे जगह में वो लोग टिक नहीं सकते। उन लोग दूर से ही देख के अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। वो ऐसे जगह पे मुश्किल है कि उन लोग वहाँ पे पहुँच पाएंगे। और विडंबना की बात यह है कि वैसे जगह पे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का काफ़ी भीड़ रहता है, और उन लोग वहाँ पे अगर खा लेते हैं तो उन लोग वहाँ से इस तरह से बाहर आते हैं जैसे कोई जंग जीत कर आ रहे हैं। और अपने आप को जब वहाँ पे खाना खा लेते हैं तो अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन लोगों को लगता है कि काफ़ी कोई बड़ा तीर मार दिया उसने। मैं विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता कि यह सिर्फ इंडिया में होता है या पूरी दुनिया में होता है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है, आदमी के अंदर एक नेचर ये रहता ही रहता है। वो जो है कभी भी ऐसे किसी चीज़ को देखता है तो उसका जो है फायदा उठाने के लिए जरूर पहुँच जाता है। इससे एक चीज़ का तो पता चलता है कि लोग बिना मेहनत किए सारा कुछ पाना चाहते हैं। वो सब कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। तो मुफ्त की चीज़ें हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन को कितने प्रभावित करते हैं, आज मैं इसके विषय में बात करूंगा। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुफ्त की चीज़ें हमारे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करती है, तो इसको आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसके लिए मैं आपको छोटा सा और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा। एक राजा था जो अपने राज दरबार के जो पुरोहित होते हैं, बड़े बड़े पंडित जो होते हैं, उन लोगों में से जो मेन पंडित था उनको बुलाया, और फिर राजा उनको बोलता है कि जो हमारे राज दरबार में जितने भी ग्रंथ हैं मैं उन सबको पढ़ना चाहता हूँ। तो आप बताइए कि कितने सारे ग्रंथ होंगे हमारे राज में। तो पुरोहित जो था वो बतलाया कि देखिए महाराज, हमारे दरबार में जो है करीब 20 ग्रंथ होंगे। तो राजा बोलता है कि इतने सारे ग्रंथ हैं, 20 ग्रंथ पढ़ने में मुझे काफ़ी समय लगेगा, तो आप ऐसा कीजिए, कृपया करके जो है उन सारे ग्रंथों का जो सारांश होगा उसको एक ग्रंथ में आप बनाकर हमको दे दीजिए, ताकि मैं आसानी से उसको पढ़ सकूँगा। तो कुछ दिन बीत गए, उसके बाद वो जो पुरोहित था उन सारे ग्रंथों का सारांश करके एक ग्रंथ में ले आया और राजा के सामने भेंट कर दिया। तो राजा जो है वो देखता है, उतने इतना मोटा जो है ग्रंथ था वो देखता है, काफ़ी बड़ा ग्रंथ। फिर वो पंडित से बोलता है, पुरोहित से बोलते हैं कि पंडित जी, एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए कि आप इस ग्रंथ को जो है, इसमें कई पाठ दिए हुए हैं, इसमें एक पाठ जो है उसको एक पाठ में बना दीजिए, ताकि मैं आसानी से उसको पढ़ सकूँगा। पंडित जी जो होते हैं वो फिर जो है महाराज आज्ञा का पालन करने के लिए फिर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो मेहनत करके फिर उसको सारांश करते हैं, और फिर जो है उसको एक चैप्टर में बना के महाराज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब जब वह राजा देखता है कि इतना बड़ा चैप्टर, पलट पलट के देखता है इतना बड़ा चैप्टर, तो वो फिर जो है एक बार फिर अपने जो है पुरोहित जी जो होते हैं उससे आग्रह करते हैं कि कृपया करके आप जो है इसको एक चैप्टर में, इसको सारांश करके एक चैप्टर से एक लाइन में कर दीजिए, ताकि मैं उसको आसानी से पढ़ लूँगा। फिर जो है पंडित जी फिर उसको वापस लेके चले जाते हैं, फिर कुछ दिन का समय लेते हैं और फिर उसको एक लाइन में कन्वर्ट करके राजा के सामने ले आते हैं। अब राजा जो है उसको पढ़ता है, देखता है। अब सोचिए कि वो लाइन क्या होगा, और पता है वो लाइन क्या था? उस वो एक लाइन लिखा हुआ था, मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं मिलता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यह वाकई में रियलिटी है।
मुफ्त में कोई भी चीज हम लोगों को नहीं मिलता, कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इस लाइन को अपने मन मस्तिष्क में डाल लेगा उसे लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुफ्त में कई चीजें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी तरह से आइडिया लगाया जाए, कोई शॉर्टकट तरीका निकाला जाए कि मुफ्त में हम अपने जीवन को आगे ले जा सके, सफल हो सके, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वो आप ना माने, क्योंकि मैं कोई यहां पे विद्वान नहीं बैठा हुआ हूं कि आप मेरी बातों को मान लेंगे। लेकिन हाँ, मैंने ये चीज अपनी आंखों से देखी है। जिन लोगों ने इस बात को नहीं माना है, जो लोग इस तरीके को अपनाए हैं, उनकी दुर्दशा मैंने देखी है। ये एक सत्य घटना है और मैं इसे देख चुका हूं, इसलिए आप लोगों को बताता हूं। जहां तक मुझे याद है करीबन 2007 या 8 की बात है, धनबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जगह है, टुंडू नाम का एक जगह है, जहां पे एक फैक्ट्री, जिंक फैक्ट्री हुआ करता था। आज भी वो फैक्ट्री है वहां पे, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है, कई साल बीत गए। तो उस फैक्ट्री, उस समय वो चलता था, काफी अच्छा चलता था। वहां के वर्कर जो होते थे उसको काफी फैसिलिटी मिलता था, उनको अच्छी वेतन मिलता था, 24 आवर बिजली मिलता था वहां पे, और उस बिजली को मैं खुद यूज कर चुका हूं इसलिए मैं जानता हूं। इसके अलावा उसे मेडिकल फैसिलिटी मिलता था, बहुत तरह की सुविधाएं उन लोगों को मिलता था। एक बार क्या हुआ कि 2007-08 की बात है, तो उस समय जो उसका मालिक था अचानक उन लोगों को एक खबर देता है कि देखिए आप लोग जो है काम कर रहे हैं यहाँ पे, मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है, आप लोग कुछ भी काम मत कीजिए, मैं आप लोगों को वेतन देता रहूंगा, जितना वेतन देता हूं वही वेतन दूंगा, सारा कुछ मैं वही दूंगा, आप लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ अपने समय पे आइए फैक्ट्री में और समय पे फिर आप 8 घंटा बिताइए और फिर आप अपने घर चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम आएगा मैं आप लोगों को पेमेंट पे कर दूंगा। तो जब लोगों ने सुना तो वो बहुत खुश हो गए, और क्या खुश हो गए, उन लोगों को लगा कि कितना अच्छा बात है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि कोई काम भी मत करो और पूरा पेमेंट भी मिले। इस तरह से जब बतलाया गया तो सभी लोग खुश हो गए। अब फिर वही प्रक्रिया चालू हो गया, काम वहाँ बंद रहता था, सभी वर्कर समय पे आते थे, 8 आवर्स 8 घंटा वहाँ पे बिताया करते थे और फिर 8 घंटा के बाद अपने घर चले जाया करते थे, और जब टाइम आता था पेमेंट का तो टाइम उनका जो है अकाउंट पे आ जाया करता था, अच्छा खासा उस समय उन लोगों को सैलरी मिला करता था। तो इस तरह की जो है चलता रहा ये प्रक्रिया जो है, और लगभग 6 महीना बाद अचानक एक बार क्या हुआ कि वर्कर जो है अपने टाइम पे काम पे जा रहे थे, और जैसे सुबह वो वहां पहुंचते हैं वहां पे क्या मिलता है, वहां करीब 5-6 किलो का ताला, एक बड़ा सा ताला गेट पे लटका हुआ है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है और वो गेट जो है मेन गेट बंद है। तो उन लोग जो है अचंभित हो गए, उन लोगों के पैर तले जमीन खिसक गया, उन लोग घबरा गए कि आखिर बात क्या, अचानक ये बंद क्यों हो गया। उन लोगों ने फैक्ट्री के मालिक को इस बात का खबर दिया कि सर अचानक जो है फैक्ट्री जो बंद क्यों कर दिया गया, हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो उस फैक्ट्री के मालिक ने उन लोगों को कहा कि इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, मैं आप लोगों को 6 महीना तक फ्री में मुफ्त में बैठा कर खिला चुका हूँ, अब मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं और आप लोगों को पेमेंट दे सकूँ। तो ऐसा होने के बाद जो है उन लोगों का लाइफ कितना प्रभावित हुआ, किस प्रकार से उन लोग इस प्रॉब्लम को झेलने लगे, अब आप समझिए, आप खुद सोच सकते हैं, किसी को अचानक उसका पेमेंट आ रहा है, 40-50 हज़ार रुपया पर मंथ उसको पेमेंट मिल रहा है और अचानक बंद कर दिया जाए, क्या हालत होगा उन लोगों का। तो वैसी हालत हुआ उन लोगों का, और इसका जिम्मेदार कौन होगा। जहां तक मैं समझता हूं कि उसका जिम्मेदार वो लोग खुद थे, क्योंकि जब कंपनी उनको बोल रही कि हमें लॉस हो रहा है और मैं आप लोगों को बैठा कर पेमेंट दूंगा, तो उन लोग खुश हो गए कि बिना काम किए हम लोगों को पेमेंट मिल रहा है, और क्या चाहिए। यह सोचकर, यही तो गलत सोच था उन लोगों का कि मुफ्त में चीजें मिल रही, मुफ्त में जो चीजें मिलती है उसका परिणाम बुरा होता है। उन लोगों को यह बोलना चाहिए था कि मुफ्त में हम लोग पेमेंट नहीं लेंगे, हो सकता है कि आपको लॉस हो रहा है, हम लोगों की फैसिलिटी जो इतना आप दे रहे हैं उस फैसिलिटी को कम कर दीजिए, हो सकता है उस फैसिलिटी को हटा दीजिए, जो आवश्यक है वो वस्तु दीजिए, उससे भी अगर नुकसान पूरा नहीं हो रहा है तो आप हमारे पेमेंट में से कुछ परसेंट काट लीजिए, वहां तक ठीक है, लेकिन हम लोग बिना काम किए आपसे पैसा नहीं ले सकते। अगर ये बात वहां रखा जाता तो निश्चित है कि वहां पे कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकल जाता, उसका हल निकल जाता, और वो फैक्ट्री बंद नहीं होता जो कि आज कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप टुंडू नाम करके एक स्टेशन है, वहां पे एक हॉल्ट है, अभी भी वो चल रहा है, उस ट्रैक पे रेल बंद कर दी गई थी लेकिन कुछ रेल जो है वहां पे अब चल रही है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, वो फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। वहां पे जो क्वार्टर बनाया गया था वो फैक्ट्री का, वहां पे जब कभी हम लोग घूमने जाया करते थे, वो फैक्ट्री जब चालू रहता था तो उस समय वहां का रौनक कुछ अलग था, लोगों की रहन सहन, वहां का जो नजारा देखने में जो अच्छा लगता था, आज उतना ही बंजर हो गया।
तो उन लोग अगर ये बात रखते कि आप हमारे फैसिलिटी को कम कर दीजिए, हमारे पेमेंट से कुछ परसेंट काट लीजिए, तो निश्चित है कि आज वो फैक्ट्री वहां पे काम कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने मुक्त पाने के लिए जो अपनी लालच को रोक नहीं पाए, इसका कारण बना कि उनका फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गया। इस घटना से आप लोग इतना जरूर समझ गएंगे कि जो व्यक्ति मुक्त में अपनी जिंदगी को किसी न किसी तरह से खड़ा करना चाहता है, वो निश्चित ही अपना जिंदगी को बर्बाद कर बैठेगा। मुक्त पाने की जो सोच है, इसी प्रकार के सोच ने इस गेम को बनाया होगा। जुआ, जुआ जिसको बोलते हैं, जो जिंदगी बर्बाद करने वाला एक गेम है, ये जो है इसी सोच ने बनाया कि तुरंत ही आप अमीर बन जाओ, तुरंत ही आप जिंदगी में ऊंचाई पर चढ़ जाओ। इसी तरह की सोच जो है गैर कानूनी रास्ते को पैदा करती है, किसी को नुकसान पहुंचा के खुद अपने आप अमीर बन जाओ। इस तरह की जो गैर कानूनी रास्ते हैं, ऐसे ही सोच ने पैदा किया है। तो किसी भी हाल में आप अपने मन मस्तिष्क में मुक्त पाने की कोई भी चीज को आप बिल्कुल भी निकाल दीजिए। अगर आप मुक्त पाने की ये जो लालच जो है अपने अंदर रखते हैं, तो आप किसी ना किसी गलत रास्ते पे भटक जाएंगे और फिर आप अपना जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे। हाँ, एक चीज है, आप लोगों को जो दुकान में 3 साबुन के साथ 1 साबुन, 4 साबुन मतलब 1 साबुन फ्री मिलता है, उसको आप ले सकते हैं। दुकान में कई सारी चीजें ऑफर के साथ जो फ्री में आती है, वो सारी चीजें आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जीवन की कोई बड़ी उपलब्धि आप मुफ्त में प्राप्त नहीं कर सकते, उसका एक भुगतान चुकाना पड़ता है, जो सबको चुकाना पड़ता है, तो आपको भी चुकाना पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को इससे जरूर कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और मेरे कई वीडियो हैं जो जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिला है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और इससे और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह का फिर से एक नए मोटिवेशनल वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।